लश्कर ए तैयबा के सरगना हफीज सईदी अरब के सहयोगी मुफ्ती कैसर फारूक की पाकिस्तान के कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हाजी सफीज ने भारत को 26 अकरा आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। हाल ही में सईद के बेटे लापता होने की भी खबर आई थी। क्या कहना है पाकिस्तान का? इस महीने की शुरुआत से लश्कर ए तैयब से जुड़े एक अन्य मौलवी मौलाना जियाहर रहमान की भी कराची में शाम के सैर के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान एजेंसियां यह दिखने का पूरा प्रयास कर रही है जिसा उर रहमान और मुफ्ती कैसर दोनों का हाफिज सईद और उसके लश्कर ए तैयबा से कोई संबंध नहीं था। इससे पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISSI से जुड़े और खालिस्तान कमांडो फोर्स के नेता परम सिंह पंजवार की भी हत्या कर दी गई थी। फरवरी में हिजबुल मुजाहिदीन को उस वक्त तगड़ा झटका लगा था जब उसका लॉन्च कमांडर वसैद सलाहुद्दीन के करीबी सहयोगी बशीर पीर रावलपिंडी में ISSS मुख्यालय के पास अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उसे बहुत करीब से गोली मार गई थी। हाल में उन हत्याओं के बाद IS काफ़ी बेचैनी हुई और उसने कई महत्वपूर्ण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। वह जामिया अबू बकवर नामक मदरसे में एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा था। इस मदरसे का इस्तेमाल उसके आतंकी गतिविधियों के लिए मुख्य अड्डे के रूप में किया जाता था। पाकिस्तान पुलिस ने इस हत्या को आतंकी हमला करार दिया जिसमें घरेलू आतंकियों की सफलता बताई गई है। इसके अलावा जांचकर्ता हत्या के संभावित उद्देश्यों की गिरोह और प्रतिद्वंद्व की संभावना की तलाश रही है।